everyone, welcome to my channel 24/7 English. This video is part 2 of the lesson Ivan's Rise and Oliver. We have already done in part 1 that Ivan's was a convict and he wanted to appear in an exam that was German O level exam. अब वो convict है, Oxford prison के अंदर है और वो अपना wish बताता है that for he wants to appear for the exam. और जो वहाँ के governor हैं jail के prison के वो सेक्रेटरी से डिस्कस करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, और इस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ वो एग्जाम कंडक्ट करवा देते हैं उसके अपने ही सेल में. एंड वी हैव ऑलरेडी डन दैट रेवरेंड एस मैक्लरी जो उसके इन्विजिलेटर हैं, ही हैज अराइव्ड इन द प्रिजन, उसके सेल में आ चुके हैं और अब उसका एग्जाम शुरू होने वाला है. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द लिस्ट. इट वॉज 9:10 AM व्हेन गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर. ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन to tell Ivans of the temporary little precaution. That was only fear, as if Ivans would spot it, but wasn't it all a bit theatrical? Schoolboyish, almost. How on earth was Ivans going to try anything on today? If he was so anxious to make another break, why in heaven's name hadn't he tried it from the recreational block? Much easier, but he hadn't. And there he was, now, sitting in a locked cell, all the prison officers on the alert, two more locked doors between his cell and a yard with a wall as high as haystack. Yes, Ivans was as safe as houses. अब क्या कहते हैं कि 9:10 हो चुके हैं, 9:10 का टाइम हो चुका है और गवर्नर स्विच ऑन, गवर्नर ने ऑलरेडी सारी अरेंजमेंट्स की हुई हैं और उसके रूम में भी अपना माइक्रोफोन्स लगाए हुए हैं. तो उन्होंने अपना स्विच जो रिसीवर है उसको ऑन कर दिया है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू लिसन एवरीथिंग वट एवर गोज इन द सेल. सेल में कौन क्या बात कर रहा है वो सब कुछ सुनना चाहते हैं, तो वो अपना रिसीवर ऑन कर लेते हैं. और उन्होंने ऑलरेडी जैक्सन को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि इवांस को सब कुछ पहले से सारी प्रिकॉशंस जो है उसे ले ली जाए, मतलब उसके साथ कोई भी ऐसी चीज एज अ वेपन नहीं होनी चाहिए जो उसको यूज कर सके. अब कहते बहुत कुछ उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत इट्स बिट थिएट्रिकल, थिएट्रिकल मीन्स बहुत ड्रामा जैसे हो गया, इस तरह से लग रहा है कि इतना सब कुछ सेल के अंदर है, इतने लॉक्स हैं, सब कुछ बंद है और फिर भी इतने ज्यादा प्रिकॉशंस पे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं. और कहते हैं कि बहुत स्कूल वॉइस जैसा नहीं हो गया कि जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में जैसे इस तरह से करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो वैसा ना हो, और इस सबको लेते हुए इतनी सारी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, मतलब ऑल्दो ही वॉज द गवर्नर ऑफ द जेल और वो इतना डर रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा. अब वो कहते हैं कि हाउ ऑन अर्थ, इवांस कैसे अर्थ पे आज कुछ कर सकता है, अर्थ पे मतलब कि आज प्लैनेट के ऊपर या लैंड के ऊपर वो कैसे कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो अपने सेल में बंद है, लॉक्ड है, और जो इन्विजिलेटर आए हैं वो भी उसके सेल में ही उसके साथ बैठे हैं और वो दोनों ही एक तरह से लॉक्ड हैं और वो वहां पे बैठ के अपना एग्जाम दे रहा है. तो वो कहते हैं कि कैसे कुछ भी कर सकता है आज. और अगर वो इतना ही एंग्शियस था, एंग्शियस मीन्स इफ ही वॉज सो मच कंसर्न, अगर उसको सच में ऐसा था कि वो कुछ को दोबारा से ब्रेक करना है, मतलब उसको दोबारा से जेल से भागना है, तो वो ये जो है इसको इसके लिए ये सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, वो तो रिक्रिएशनल ब्लॉक से भी भाग सकता था. रिक्रिएशनल ब्लॉक मतलब जहां पे वो रिक्रिएट करते हैं या वहां जाके कुछ फंक्शंस करते हैं या कुछ भी, वहां से भी वो भाग सकता था क्योंकि वहां तो ओपन था, अब यहाँ तो वो अपने सेल में लॉक्ड है. और कहते दैट वॉज मच ईजियर एंड वो सब कुछ कर सकता था आज. तो देखो वो तो अपने सेल के अंदर लॉक्ड बैठा हुआ है और वहां पे उसके साथ 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 प्रिजन ऑफिसर्स, जैसे हमने देखा कि स्टीफेंस और मिस्टर जैक्सन दोनों वहां पे हैं, तो प्रिजन ऑफिसर्स ऑलरेडी वहां पे हैं और वो बहुत अलर्ट हैं, ऑलरेडी उन्होंने इतनी सारी प्रिकॉशंस ली हुई हैं, प्लस रिसीवर भी ऑन है गवर्नर का और वो भी सब कुछ साथ साथ सुन रहा है क्या कुछ हो रहा है वहां पे. तो आज कहते इतना सब कुछ लॉक्ड होने के बाद, अपने सेल के अंदर आने के बाद, और आज वो कैसे कहीं से भाग सकता है, क्यों, क्योंकि उसके सेल के बाद वो कहते हैं कि जो यार्ड है, जो ओपन एरिया है, वहां से भी जो वॉल्स हैं, वो वॉल्स क्या कहते हैं, एज हाई एज हेस्टॉक. हेस्टॉक का मतलब कि पाइल ऑफ हे, यानी घास फूस का जो ढेर लगा होता है बहुत ऊंचा सा, उस तरह से कहते हैं इतनी हाइट है उसकी, तो कैसे भाग सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी कि वो कहीं से भाग जाए. वो कहते हैं इवांस आज इतना सेफ है जैसे कोई अपने घर में, अपने हाउस में सेफ होता है, इस तरह से वो सेफ है, तो चांस ही नहीं है कोई, लेकिन फिर भी वो इतनी प्रिकॉशंस पे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं. एनीवे इट वुडंट बी एनी ट्रबल एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न ऑन for the next couple of hours or so. It wasn't as if there was going to be anything to listen to, was it? Amongst other things, an invigilator's duty was to ensure that the strictest silence was observed. But
But still, that little nagging doubt. My Timmons tried to take advantage of McClary, get him to smuggle in a chisel or two or a rope letter. Or, अब क्या कहते हैं वो? गवर्नर सोच रहे हैं कि उन्होंने रिसीवर तो ऑन कर दिया, चलो कुछ टाइम के लिए जब तक एग्जाम होगा तब तक वो रिसीवर ऑन रखेंगे, बट वो सुनेंगे क्या? क्योंकि जब एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन रूम के अंदर तो सब कुछ साइलेंट होता है, कोई बात भी नहीं करता, और यहाँ पे तो ये दो ही लोग हैं। अब नॉर्मली अगर एग्जामिनेशन रूम में हम देखें तो वहाँ बच्चे अगर आपस में चीटिंग भी करते हैं तो वो तब आपस में बात करते हैं, बट या तो ये अकेला बैठा है, ही इज ऑल अलोन इन हिज सेल, और उसके साथ इन्विजिलेटर है, सो ही इज नॉट गोइंग टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम द इन्विजिलेटर, और इवन द इन्विजिलेटर विल नॉट टेल एनीथिंग। तो जब उनकी बात ही नहीं होगी तो गवर्नर ने सुनना क्या है? लेकिन फिर भी वो कहते हैं, फिर भी उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए रिसीवर ऑन रख के देखता हूँ क्या होता है वहां सेल में। और बाकी चीजों के साथ साथ वो क्या बता रहे हैं कि इन्विजिलेटर की ड्यूटी है, जो कुछ वो बताएगा सबको स्ट्रिक्ट रखेगा, साइलेंस रखेगा, तो सुनेंगे क्या? एंड स्टिल दैट लिटिल नैगिंग डाउट। लेकिन फिर भी उनको एक नैगिंग डाउट, मतलब थोड़ा इरिटेट करने वाला डाउट, कि उनको अंदर से परेशान कर रहा है, जिसे कहते हैं ना खलबली मचाई हुई है, ऐसा उनके अंदर डाउट है कि पता नहीं इवांस क्या कर बैठेगा। मतलब वो इतना घबराए हुए हैं कि इवांस कुछ भी कर सकता है, ही सच अ स्मार्ट पर्सन कि वो कुछ भी कर सकता है। सो इवांस ट्राई टू टेक एन एडवांटेज, और कहते हैं उनको क्या लग रहा है कि ऐसा ना हो कि एक मैक्लरी का जो इन्विजिलेटर आया है उसका वो एडवांटेज ले ले। अब एडवांटेज कैसे ले ले? कि उनको एज अ हॉस्टेज बना ले, उनको पकड़ ले, मारने के लिए ट्राई करे, या कुछ भी इस तरह से करे कि वो भागने की कोशिश करे वहां से। कहते हैं गेट हिम टू स्मगल इन अ चिसल और टू और टू और रॉक। तो अब वो क्या कहते हैं, चिसल एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, एक जो ब्लेड्स जैसा जिसकी कटिंग एजेस होती है, इस तरह का ये चिसल। कहते हैं कि कोई इस तरह की अगर सपोज मैक्लरी अपने साथ लाए हों और वो उसको ले ले तो क्या होगा? द गवर्नर सेट अप शार्पली, इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट इवांस कुड हैव यूज्ड, बट वॉट अबाउट मैक्लरी? वॉट इफ क्वाइट अनविटिंगली द इनोसेंट मैक्लरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ, अ जेट नाइफ परहैप्स, एंड वॉट इफ इवांस हेल्ड हिम होस्टेज विद सच अ वेपन? एग्जैक्टली वही चीज कि मैं से तो इवान से तो हमने सब कुछ ले लिया, उसके पास कुछ नहीं है, तो उस चीज को लेकर तो वो पूरे श्योर है, लेकिन बाई चांस because they are calling McClary as innocent, वो innocent है, उसको knowledge नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है इस चीज का, unwittingly मतलब unknowingly, बिना ना जानबूझकर इस तरह से अगर कुछ ले आता है अपने साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो क्या कहते हैं जैक नाइफ कैसे, जैसे आपने आपके जब एग्जाम्स होते हैं तो वहां पे शीट्स होती हैं, तो उसके लिए आपके उनके पास कोई कटर या कुछ इस तरह का नाइफ होता है, या उसको जब ओपन करते हैं सील को, सील पेपर को, एनवलप को, तो उसके लिए खोलने के लिए वो सब कुछ अपने पास रखते हैं इन्विजिलेटर्स। तो कहता है अगर इस तरह का बाइचांस वो अपने साथ लेकर आए हो, देन हाउ विल वी मैनेज, कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि वो तो उसको होस्टेज बना के कुछ भी कर सकता है, उसको एज अ वेपन भी यूज कर सकता है। नाउ द गवर्नर रीच फॉर द फोन, इट वॉज 9:12 AM, द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन्स व्हेन जैक्सन केम बैक and shouted to McClary through the cell door, can you come outside a minute sir, you too Stephens. अब Stephens भी अंदर है, McClary भी अंदर है, और Evans already है क्योंकि उसको तो एग्जाम देना है, so you can imagine कि Stephens अंदर है और Jackson बाहर है, तो इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी उनकी चल रही है। अब वो कहते हैं 9:10 पे जैसे वो एग्जाम स्टार्ट होना था, वो सब कुछ गवर्नर ने अपना जो माइक्रोफोन था वो स्विच ऑन किया, और यहाँ पे वो कहता है 9:12, मतलब 2 मिनट्स के अंदर वो सब चीजें उसके माइंड में चल रही हैं। अब वो क्या कहता है कि द एग्जामिनी, हु इज द एग्जामिनी हियर? इवांस। तो इवांस जो एग्जामिनी है वो इन्विजिलेटर, वो ऑलरेडी वहां पे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं स्टीफन्स से, और उसके बाद अब जैक्सन वहां आता है सडनली, और जैक्सन उसको शाउट करके बाहर बुलाता है, किसको? स्टीफन्स को और मैक्लरी को, और उनको क्या कहता है, जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज, and McClary patiently held out his arms at shoulder level whilst Jackson tightly frisked his clothes, something hard here sir. अब क्या बताते हैं कि जैक्सन बुलाता है और उनको बताता है कि हमारे गवर्नर जो है he is very much worried right now, और वो रीजन भी बता देता है कि क्यों worried है, because he is Evans the break, जो examinee है वो Evans the break है, मतलब वो जेल तोड़कर भाग सकता है, तो वो बता देते हैं उसको, और वो क्या कहते हैं कि उसको properly frisking करते हैं। फ्रिस्किंग क्या होती है? तलाशी लेना, जैसे हम कहीं जाते हैं एयरपोर्ट पे या मेट्रो के लिए, तो मेट्रो स्टेशन पे जैसे प्रॉपर फ्रिस्किंग होती है कि आपके सारे सामान की और आपकी पूरी चेकिंग होती है, उस तरह से वो उसकी पूरी चेकिंग करते हैं,
और जैक्सन क्या कहता है, समथिंग हार्ड हेयर. जब उसकी पॉकेट की तरफ देखता है तो वो कहता है मैक्लूरी को कि कुछ हार्ड यहाँ लग रहा है, क्या है? मोर रीडिंग ग्लासेस, रिप्लाइड मैक्लूरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस. जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिप्ड द कैचेस ऑन द सूटकेस. अब क्या कहता है कि वो बताते हैं कि मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं, निकाल के दिखा देते हैं, और वो रीअश्योर हो जाता है, वो समझ जाता है कि हाँ ठीक है. लेकिन फिर उसके बाद वो बेंड डाउन करके थोड़ा सा झुक के उनके सूटकेस की तरफ उसको इशारा करता है और उसको क्विकली मतलब जल्दी से उसको देखता है, क्या थंब फ्लिक, मतलब जल्दी से अपना थंब लेके उसके सूटकेस की तरफ रखता है और कहते हैं ये क्या है, इसमें क्या है. सो ही पिक्ड अप ईच एनवेलप इन टर्न केयरफुली पास्ड हिज आर्म्स अलोंग देयर सरफेस एंड सीम्ड सैटिस्फाइड. ही रिफिल्ड क्यूरियसली थ्रू few pages of foliage and vaguely shook the church times. All right, so far, but one of the objects in McClure's suitcase was puzzling him sorely. Now what he says, उसका सूटकेस खोलता है, वहाँ पे जितने भी envelopes हैं, उनको इस तरह से surface को touch करके वो देखता है कि कुछ hard तो नहीं है इसके अंदर, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो objectionable हो, या फिर और फिर अपने palm से उस तरह करके उसके बाद जब satisfy हो जाता है, तो वो curiously और बाकी चीजें जो उनके पास foliage यानी जो book है उनके पास चर्च टाइम्स है उस सबको देखता है. एंड वो क्या कहते हैं उसे, वेगली शुक, मतलब इस तरह से शुक करके वो देखता है कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं. अब वो क्योंकि एक एक पेजेस को टर्न करके वो नहीं देख सकता, तो वो उसको शुक करता है बुक को और उसको देखता है कि इसमें कुछ है तो नहीं. और फिर उसके बाद जब वो ऑलमोस्ट सब कुछ उसको ठीक लगता है, बट एक चीज से वो पजल हो रहा है, मतलब एक चीज को लेकर वो बड़ा कंफ्यूज है. अब वो क्या है, डू यू माइंड टेलिंग मी व्हाई यू हैव ब्रॉट दिस सर. He held up a smallish, semi-inflated rubber ring, such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. You're thinking of going for a swim, sir. अब क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक rubber tube उनके पास थी. As you can see here also on the screen, कि इस rubber tube को वो देखे, वो कहते हैं कि आप ये क्यों लेकर आए हैं? In semi-inflated का मतलब ऐसे circle में. तो वो लेकर आप इसको क्यों लेकर आए हैं? और ये इतनी छोटी सी है, इसका क्या करेंगे आप? अब वो जान के मजाक के फॉर्म में उसको कहता है, मतलब थोड़ा सा एज अ जोक उसको सुनाने के लिए कि यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम. जैसे स्विमिंग के लिए अगर जाते हैं बच्चे जाते हैं तो उनको रबर के ट्यूब्स दिए जाते हैं फॉर देयर सेफ्टी. तो वो कहते हैं कि क्या आप स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं, मतलब मजाक कर रहा है उसे. बट मैक्लूर इज थो अमियबल डेमर वॉज स्लाइटली रफल बायसलेस लिटिल प्रेजेंट्री एंड ही आंसर्ड Jackson somewhat sourly. If you must know, I suffer from hemorrhoids and when I'm sitting down for any length of time. अब क्या कहते हैं, उसने तो अपनी तरफ से मजाक कर दिया. But now, McClure, hitherto, hitherto means up to now, अब तक जो भी कुछ हुआ. And what is this? Amiable, amiable means proper manners के साथ, एक gentleman की तरह से वो behave करते हुए, वो क्या कहते हैं उसे, and demeanor means his behavior. एक जेंटलमैन की तरह से वो बिहेव कर रहा था, अब तक उसने ऐसा बिहेव किया था, अब भी वो इसी तरह से बिहेवियर था उसका. और बहुत मैनरली वो उसको बोलता है प्रॉपर मैनर के साथ कि उसको ये इसका टेस्टलेस लिटिल प्रेजेंट्री, मतलब जो ये आप ये कह सकते हैं कि जो इस टाइम फिट नहीं हो रहा था, ऐसा जोक उसने सुनाया. टेस्टलेस मतलब उसको पसंद नहीं आया. और उस जोक को सुनने के बाद वो क्या आंसर करता है जैक्सन को कि समवट सोरली, मतलब खुश नहीं था, बहुत आप कह सकते हैं कि नॉट एंग्रली बट यू कैन से कि उसका उसको अच्छा नहीं लगा वो चीज़. और वो उसको क्या आंसर करता है कि ये मास्टर कि तुम्हें पता होना चाहिए कि आई सफर फ्रॉम हेमोराइड्स. हेमोराइड्स क्या होते हैं? हेमोराइड्स इज अ काइंड ऑफ डिजीज विच नॉर्मली वी यूज टू कॉल पाइल्स, जिनको बहुत ज़्यादा डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है या इंडाइजेशन रहता है, और आप कह सकते हैं कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो बहुत टाइम तक अगर वो कंटिन्यू रहता है तो पाइल्स की प्रॉब्लम उनको बन जाती है. तो वो कहता है कि वो मेरे को प्रॉब्लम है और मैं बहुत देर तक एक सरफेस पे नहीं बैठ सकता, हार्ड सरफेस पे मैं ऐसे नहीं बैठ सकता. तो एक्चुअली ही वांटेड टू से कि मैं इस रबर ट्यूब को रखूंगा और उसके ऊपर मैं आराम से कंफर्टेबली बैठूंगा. वेरी सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू हर्ट. द एम्बैरेसमेंट वॉज स्टिल रेडनिंग जैक्सन्स चीक्स व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस. आई थिंक आई'ड बेटर कीप दिस डॉग इफ यू डोंट माइंड दैट इज सर. अब क्या कहता है जैक्सन, उसको बड़ा बुरा लगा, मतलब एम्बेरसमेंट फील होता है उसको, शर्मिंदगी होती है, शर्म आती है उसको कि मैंने क्या बोल दिया और मैंने मजाक कर दिया. क्यों? क्योंकि वो तो कह रहा था कि आप स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं और एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ और थी. तो वो कहते हैं कि आई एम सॉरी. और फिर उसके बाद अब वो ये देख रहा है रेडिंग जैक्सन चीक्स, मतलब शर्म से उसके गाल जो है वो लाल हो जाते हैं, मतलब उसको इतना
एम्बेसमेंट फील होती है। और फिर उसके बाद वो देखता है कि वहां पे एक पेपर नाइफ भी है, पेपर नाइफ जैसा हमने पहले वीडियो में देखा था, जो अपने साथ सामान लेकर आया, एनवेलप्स लाया है, पेपर नाइफ लाया है, तो वो सब चीजें। और वो देखता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं और उसको रख देता है, क्योंकि वो समझ आता है कि हाँ ये भी किसी काम का ही होगा, और मैंने जो पहले उसने बात बोली है उससे उसको बहुत एम्बेरसमेंट, उसको बड़ा शर्मिंदगी हो रही है, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता और कहता है कि आई बेटर कीप दिस डॉग, कि मैं इसको रख देता हूँ, एंड इफ यू डोंट माइंड दैट इज सो, कहता अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसको रख लेता हूँ। It was 9:18 a.m. before the governor heard their voices again, and it was clear that the examination was going to be more than a little late in getting underway. अब जैसे आप examination के लिए जाते हैं और invigilator कभी थोड़ा देर से आए या उनके पास papers late आए, तो क्या होता है कि आपका exam time जो है वो थोड़ा delay हो जाता है, और आपको you also feel anxious कि यार जल्दी से फटाफट paper दो और हम फटाफट paper करना start करें। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि 9:18 हो चुके हैं, 9:15 पे उसका exam start हो जाना था, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लेट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है, और वहां पे आवाजें आ रही हैं, गवर्नर सुन रहा है सब कुछ, और उसको लग रहा है कि अब फटाफट एग्जाम स्टार्ट हो जाना चाहिए। सो मैक्लरी, यू हैव गॉट अ वॉच, एवांस यस सर, मैक्लरी आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, ऑलराइट, साइलेंस, मैक्लरी देयर इज प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट, साइलेंस, McClary, now write the name of the paper 0211 in the top left-hand corner. Then again silence. And McClary, in the top right-hand corner, write your index number 313 and in the box just below that, write your center number 271. All right. अब क्या कहते हैं McClary? इसको सबसे पहले कहते हैं कि तुम्हारे पास वॉच तो होगी? तो कहता है यस सर, है मेरे पास वॉच। तो कहता है कि ठीक है, अब जब मैं तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होगा तब तो मैं बताऊंगा, और जब एग्जाम ओवर होने वाला होगा तो उसके 5 मिनट्स पहले मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा, तब तक मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एंड देन ही सेज कि देयर आर प्लेंटी ऑफ पेपर्स, राइटिंग पेपर्स बहुत सारे हैं, जितने मर्जी पेपर्स यूज करना चाहो कर सकते हो, जैसे आपको भी एग्जामिनेशन में आप जितनी शीट्स यूज करना चाहो यू आर फ्री टू यूज एज, तो वो यही बात उसको कहता है कि जितनी भी शीट्स, एज मेनी शीट्स यू वॉन्ट यू कैन यूज कर सकते हो, बहुत शीट्स हैं यहाँ पे। और फिर वही अगेन कि उसको सारे इंस्ट्रक्शन देता है कि अपना, जैसे आप भी एग्जाम के लिए जाते हो तो आपको बताया जाता है सेंटर नंबर अपना मेंशन करिए, अपना सब्जेक्ट कोड मेंशन करिए, अपना बाकी डिटेल्स जो है स्कूल कोड मेंशन करिए, वो सारी चीजें वो भी यहाँ पे बता रहे हैं उसको कि क्या क्या आपने मेंशन करना है, ये सब चीजें लिखो, सेंटर नंबर लिखो, अपना पेपर कोड लिखो, ये सब चीजें लिखने के बाद, एंड अगेन साइलेंस। नाउ इट्स 9:20 हो चुके हैं, एंड McClary, आई एम नाउ गोइंग टू, एवांस इज नॉट गोइंग टू स्टे और इज इट, McClary, I don't know about that. I, Stephens, Mr. Jackson's given me strict instructions too. Evans, how am I supposed to concentrate on my exam with someone breathing down my neck? Christ, sorry sir, I didn't mean. Now what happens? As I've told you, Stephens was already there in the cell. अब ये तीनों हैं cell के अंदर, और अब सारी instructions McClary ने उसको दी और उसे अपना paper करना start कर देता है। लेकिन फिर क्या पूछता है Evans कि is going to stay here, मतलब क्या ये यहीं पर रुके रहेंगे, क्या ये जाएंगे नहीं। सो McClary अब क्या कहता है कि I don't know about that, मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में। तो कहते हैं कि Stephens उसको क्या बोलते हैं कि मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिली है जैक्सन की कि मुझे यहीं रुकना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो अब Evans कहता है कि मैं अपने एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट कैसे करूंगा, क्योंकि ये तो मेरे सर पे खड़े हैं और मेरे ऊपर ब्रीथ कर रहे हैं, मेरे ऊपर ब्रीथ करने का मतलब जैसे ये कह रहा है कि समवन ब्रीदिंग डाउन ऑन माय नेक, कि बिल्कुल ऐसे मेरे ऊपर ही खड़े हुए हैं बिल्कुल, और इनका जो ये ब्रीद आउट कर रहे हैं वो मैं फील कर रहा हूँ, मुझे वो पता चल रहा है, तो मैं ऐसे कैसे अपने एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। नेचुरल सी बात है, अगर आप एग्जामिनेशन रूम में बैठे हैं और इन्विजिलेटर आके आपके साथ में ही खड़ा हो जाए और आपका पेपर ही देखने लग जाए तो यू ऑल्सो फील अ लिटिल बिट अनइजीनेस, थोड़ा सा अनइजी आपको भी होते हैं और आप भी आपको लगता है कि ये फटाफट जाए यहाँ से और मैं अपना आराम से कंफर्टेबली पेपर करूँ। तो वही चीज यहाँ पे है कि उसको भी डर लगता है, वो कहते हैं ऐसे मैं कैसे कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ मेरे एग्जाम में, अब मेरा एग्जाम हो रहा है और मेरे सर पे आके खड़ा है तो मैं कैसे लिखूंगा और कैसे मैं कुछ करूंगा। द गवर्नर रीच फॉर द फोन, जैक्सन, आह गुड, गेट स्टीफन्स आउट ऑफ दैट सेल विल यू, आई थिंक वी आर परहैप्स ओवरडूइंग थिंग्स, एज यू विश सर। अब गवर्नर ये सब बातें सुन रहे हैं क्योंकि उसने तो अपना रिसीवर ऑन किया हुआ है, वो सब कुछ सुन रहा है। तो वो क्या कहते हैं, वो जैक्सन को इमीडिएटली कॉल करते हैं और क्या कहते हैं जैक्सन को कि स्टीफन्स को बोलो कि वो बाहर आ जाए सेल से। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, रिसीवर ऑन है, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ सेल के अंदर क्या हो रहा है, स्टीफन्स बाहर खड़ा हो जाएगा और बाहर से ही सब कुछ देखेगा,
क्योंकि ऐसे वो एग्जाम नहीं कर पाएगा। और जैक्सन कहता है एज यू विश सर। द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल, हर्ड द डोर क्लैंग वंस मोर एंड हर्ड मैक्लोरी अनाउंस द एग्जामिनेशन दैट द एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट। अब अगेन डोर ओपन होता है, जो स्टीफन है वो बाहर आ जाता है और मैक्लोरी अब उसको कहते हैं द एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। एंड इट वॉज 9:25 में एग्जाम स्टार्ट हो रहा था, 10 मिनट्स ऑलरेडी लेट हो चुका है और अब उसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। एंड देयर वॉज ग्रेट काम, काम मीन्स कंप्लीट साइलेंस। नाउ बोथ ऑफ देम वर सिटिंग इन द सेल एंड देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, दोनों ही बैठे हैं, कोई और नहीं है और बिल्कुल शांति हो जाती है। एट 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मॉडर्न लैंग्वेजेस asked to speak to the governor. The examination had already started, no doubt, a quarter of an hour ago. Yes, well, there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package. Very brief. Could the governor please? Yes, of course. I'll put you straight to Mr. Jackson in D-Wing. Hold the line a minute. Ab kya hota hai? 9:25 pe exam start ho chuka hai. 9:40 पे गवर्नर के पास कॉल आता है असिस्टेंट सेक्रेटरी का फ्रॉम एग्जामिनेशन बोर्ड और वो क्या कहते हैं कि एग्जाम तो स्टार्ट हो गया होगा। तो कहते हैं हाँ कपल ऑफ आर्ट, मतलब कुछ टाइम हुआ है अभी एग्जाम स्टार्ट हुए हुए। तो वो क्या कहते हैं फिर उसको बाद में कि कोई फूल, मतलब सम फूल जो भी यहाँ से गया है इन्विजिलेशन के लिए, वो यहाँ पे करेक्शन स्लिप जो है यह है फॉरगॉटन, वो भूल गया है, वो लेकर नहीं गया अपने साथ। और क्या आप कुड यू प्लीज कन्वे द मैसेज कि मेरा ये मैसेज कन्वे कर सकते हो करेक्शन स्लिप से रिलेटेड। अब गवर्नर को लगता है कि हाँ ठीक है मैं ये मैसेज कन्वे कर देता हूँ और वो स्ट्रेट अवे लाइन को कनेक्ट कर देता है डी विंग के साथ जैक्सन से, सो दैट जैक्सन कैन टॉक टू हिम और ही कैन कन्वे द मैसेज टू द दिस मैक्लोरी। सो नाउ व्हाट हैपेंस वाज दिस द सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फियर्ड, वाज द फोन कॉल अ फेक, सम सिग्नल, सम सीक्रेट मैसेज, बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली। He dialed the number of the examination board, but heard only staccato beeps of a line engaged. But then the line was engaged, wasn't it? Yes, not very intelligent that. 2 minutes later, he heard some whispered communications in the cell and then naturally broad Scott's voice. अब क्या होता है कि गवर्नर ने बोल तो दिया लेकिन फिर उसके बाद वही उसके माइंड में ये टेंशन चल रही है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ये फेक कॉल तो नहीं है। फेक कॉल मतलब कि किसी ने अगर गलत कॉल किया है, किसी ने गलत नंबर मिला के जान के इस तरह से बात करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई सिग्नल तो नहीं है कि कोई उसको मैसेज देना चाहते हो, कोई कोड वर्ड्स में कुछ बोलना चाहते हो। तो इमीजिएटली क्या करता है वो उसको चेक करने के लिए वो एग्जामिनेशन बोर्ड में डायल करता है, फोन डायल करता है और वहां से उसको क्या मिलता है, स्टैकेटो ब्लिप्स। स्टैकेटो ब्लिप्स का मतलब है कि जैसे आप किसी को फोन करते हैं और अगर वो एंगेज होता है फोन, तो जो एंगेज टोन हमें सुनने को मिलती है दैट इज स्टैकेटो ब्लिप्स। जो ब्लिप्स मतलब वो जो टोन आती है, तो वो उसको साउंड सुनाई देती है, वो ब्लीप सुनाई देती है, तो उसको कंफर्म हो जाता है कि ओ फाइनली ये एग्जामिनेशन बोर्ड से ही आया है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास किसी का फोन आता है और हम किसी और नंबर से वहां पे उस नंबर पे फोन करते हैं तो हमें एंगेज टोन मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां उस नंबर से हमारी बात हो रही है। तो यहां से वो भी कंफर्म हो जाता है और फिर उसको लगता है कि नॉट वेरी इंटेलिजेंट, कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, इतना भी नहीं, थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। टू मिनट्स के बाद He heard some whispered, अब वहां पे उसको whispering communication सुनाई देती है, मतलब whispering means खुसफुसार करना, बहुत धीरे धीरे बोला, speaking very slowly, तो वो सुनता है और क्या आता है, McClory's broad Scots voice, McClory की जो broad Scottish voice है वो उसको सुनाई देती है। Will you please stop writing a wee while, Mr. Evans, and listen carefully. Canada is offering German 0-1 One should note the following correction on page 3, line 15. अब जैसे कि आपके एग्जामिनेशन में भी होता है कि करेक्शन के लिए आती है तो आपको बताया जाता है कि दिस इज द करेक्शन विद दिस पेज नंबर, दिस लाइन नंबर, ये करेक्शन है। तो सेम वे मिस्टर मैक्लोरी जो है वो उसको बता रहे हैं। एंड वट इज इज पेज लाइन 15, द फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डनन नॉट गोल्डेन एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड जाम गोल्डनन ग्लवेन Not jam golden glowin. It I will repeat that. अब वो उसको बताते हैं कि क्या करेक्शन है, कि जो आपका गोल्डन है वो गोल्डन नहीं है, दैट इज गोल्डनन। तो उसको अब वो पूरा सेंटेंस आपका इस तरह से है, द गवर्नर लिसन्ड एंड स्माइल्ड, ही हैड टेकन जर्मन इन द सिक्स्थ फॉर्म हिमसेल्फ एंड ही रिमेम्बर्ड ऑल दैट अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड सो डिड मैक्लोरी बाय द साउंड ऑफ थिंग्स, फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वॉज मोर इम्प्रेसिव
But what about Evans? He probably didn't know what an adjective was. अब क्या कहते हैं? जर्मन में जब ये सुनता है तो उसको कंफर्म हो जाता है कि यस ये कुछ जर्मन से ही रिलेटेड बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि अप टू सिक्स स्टैंडर्ड उन्होंने भी जर्मन पढ़ी थी, तो थोड़ी बहुत जर्मन उनको भी आती थी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत जो याद था तो उनको ध्यान था कि हाँ कुछ एडजेक्टिव्स भी होते हैं लैंग्वेज में. जैसे हमारी ही बेसिक इंग्लिश की जो हमारी वीडियोस हैं उसमें भी आपको जैसे एडजेक्टिव्स बताए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इस तरह से वो कहते हैं कि एडजेक्टिव्स भी होते हैं और उनको याद आ जाता है कि हाँ एडजेक्टिव्स होते हैं. और वो कहते हैं कि जो मैक्लरी बता रहे हैं साउंड ऑफ थिंग्स फॉर द मिनिस्टर्स, एक्चुअली दे आर कॉलिंग मैक्लरी एज मिनिस्टर्स. मे बी उनका ऐसा कुछ कल्चर होगा कि वो सेंट से मैक से चर्च से आए हैं और उनको मिनिस्टर बोलते होंगे. तो वो कहते हैं कि उनकी प्रोनाउंसिएशन जो थी, द वे ही वॉज स्पीकिंग द वर्ड, दैट वॉज वेरी इंप्रेसिव, बहुत इंप्रेसिव थी. क्यों? क्योंकि वो तो जर्मन टीचर हैं और उनको बहुत अच्छे से जर्मन आती है, तो एग्जैक्टली उसी एक्सेंट में वो बोल रहे हैं. सो बट वॉट अबाउट, लेकिन कहते हैं लेकिन इवांस का क्या, उसको कुछ पता भी है क्या? उसको पता होगा कि क्या एडजेक्टिव होता है, क्या कुछ और होता है, क्या नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या होते हैं, उसको तो शायद पता भी नहीं होगा क्योंकि वो तो ओ लेवल एग्जाम यानी बेसिक लेवल का एग्जाम दे रहा है और मालूम नहीं उसको ये चीज़ पता भी होगी या नहीं. The phone rang again. The magistrate's court. They needed a prison van and a couple of prison officers remand case. And within 2 minutes, the governor was wondering whether that could be a hoax. He told himself not to be so silly. His imagination was beginning to run right. Evans. अब फिर से phone call आता है. Phone call कहाँ से आता है? इस बार magistrate court से आता है. Court में जैसे courts में hearings होती हैं और उसके बाद जैसे अगर कोई convict होता है और उसको फिर jail लेके जाना होता है तो उनके लिए उनको प्रिजन वैन चाहिए होती है और कुछ पुलिस ऑफिसर चाहिए होते हैं. तो नेचुरली वो वैन के लिए, प्रिजन वैन के लिए प्रिजन में फोन करेंगे, गवर्नर से बात करेंगे और उनसे ऑफिसर्स की रिमांड करेंगे. तो वही चीज़ यहाँ पे है कि वो कहता है रिमांड केस है और रिमांड केस में हमें वैन चाहिए और प्रिजन ऑफिसर चाहिए. लेकिन वो कहता है विद इन 2 मिनट्स द गवर्नर वॉज वंडरिंग. लेकिन उसके दिमाग में तो क्या चल रहा है? इवांस ही चल रहा है बस. मतलब उसको ये लग रहा है कि बस इवांस ना भाग जाए किसी तरह से. तो अब उसको लगता है कहीं होक्स तो नहीं है. होक्स मीन्स फेक कॉल. इट्स अ सिनोनिम ऑफ फेक कॉल. तो ज़्यादातर होक्स ऐसा तो नहीं कि कोई मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, कोई गलत कॉल कर रहा है मुझे. फिर उसको लगता है कि नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, मेरी इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा ही हाई जा रही है और अब मेरे को लगता है कि मैं अब मेरे को थोड़ा सा अपना इमेजिन कम करना चाहिए क्योंकि ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा. सो इवांस, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर इफ स्टीफन्स हैड ब्यूटिफुली पीयर्ड थ्रू द पीपहोल एट इंटरवल्स ऑफ 1 मिनट और सो एंड आफ्टर दैट एवरी 2 मिनट्स At 10:45 AM, everything was still all right as he looked through the peephole once more. It took 4 or 5 seconds, no more. What was the point? It was always no more or less the same. अब क्या कहते हैं कि Stevens अपना properly, dutifully मतलब पूरी अपने duty पे है with full dedication. He is doing his duty, performing his duty. और वो क्या कर रहे हैं अब इस time पे? क्योंकि अंदर तो नहीं है अब, तो वो बाहर है, तो वो peephole से उसको बार बार देख रहा है. After every minute, एक एक मिनट के अंदर वो उसको पीपोल से देखता है और फिर उसके बाद वो 2-2 मिनट्स पे, क्योंकि 1-1 मिनट पे देख रहा था सब कुछ वही सेम था, तो वो अब 2-2 मिनट्स पे देखना शुरू कर देता है. और फिर 10:45 पे बताते हैं कि वो स्टिल ऑल राइट, सब कुछ ठीक ठाक था और वो पीपोल से बार बार उसको देख रहा था और 4 or 5 seconds के लिए वो देखता है, नो मोर. और फिर मतलब 1 मिनट के बाद देखता है, 4-5 seconds के लिए देखता है, फिर उसको बंद कर देता है, फिर उसके बाद देखता है, फिर बंद कर देता है. मतलब कंटिन्यूसली वो ये काम कर रहा था. ही वॉज कंटिन्यूसली स्टैंडिंग ऑन द डोर and he was watching him through the peephole. तो वहाँ देखे जा रहा है उसको बार बार. और वो क्या कहते हैं कि it was always सब कुछ, मतलब हर बार जब भी वो देखता था कि सब कुछ सेम ही होता था, कोई उसको ऐसा चेंज दिखा नहीं. और Evans, his pen between his lips, sat staring straight in front of him towards the door, seeking, it seemed, some sorely needed inspiration from somewhere. And opposite him, McClary seated slightly askew from the table now. अब क्या कहते हैं, हर बार जब भी देख रहा था तब सारा सीन जो है वो सेम था कि उसके इवांस के मुंह में पेन था, हाथ में पेन लिया है, मुंह में डाला हुआ है, सोच रहा है, कंटिन्यूअसली डोर की तरफ देख रहा है. जैसे बहुत बार आपने एग्जामिनेशन रूम में भी देखा होगा, कई बच्चे होते हैं उनको नहीं आंसर आ रहा होता तो कभी वो छत को देख रहे होते हैं, कभी वो वॉल्स को देख रहे होते हैं, मतलब वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ स्टेयर करते रहते हैं, पेपर नहीं करते. तो वही चीज़ यहाँ कर रहा है कि वो उसका पेन तो है वो उसके मुंह में और वो डोर को देखे जा रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे कोई डोर से उसको इंस्पिरेशन मिल रही है, मीन समबडी इज इंस्पायरिंग हिम फ्रॉम दैट साइड कि ये तुम्हारे अंदर इंस्पिरेशन जा रही है और अब तुम पेपर करो. तो इस तरह से फील हो रहा है उसको, ऐसा देखने पे लग रहा है. तो और वो वहां पे जो मैक्लरी बैठे हैं, अब मैक्लरी की बैक है डोर की तरफ और
इसका इवांस का फ्रंट है, मतलब उसका फेस है सामने और मैकलरी की बैक है डोर साइड पे, तो वो वहां पे देख रहे हैं। तो जो मैकलरी बैठे हैं एसक्यू, एसक्यू मीन्स अ लिटिल स्लांट, तो थोड़ा सा ऐसे आराम से, जैसे स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि बड़े आराम से तसल्ली से बैठना। कुछ लोग होते हैं जैसे बहुत अलर्ट होके बैठते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जैसे आप कह सकते हैं पसर जाते हैं, कि बिल्कुल ऐसे आराम से रिलैक्स होके बैठते हैं। तो वो चीज़ वो इस तरह से बैठा हुआ है वहां पे, और सेमी प्रोफाइल क्योंकि उसकी बैक है, बैक साइड में डोर है, और उसका सेमी आधा फेस जो है वो उसका पीछे से नजर आ रहा है डोर से। एंड ही इज हियर एज स्टीफन्स हैड नोटिस्ड अर्लियर, एमिटेरियसली क्लिप्ड प्रीटी क्लोजली टू द स्कल, मतलब बहुत कहते हैं कि भाई उसने उसके हेयर्स दिख रहे हैं बहुत अच्छे से उसने, एमिटेरियसली मीन्स कि उसको मतलब ही इज वेरी इंटरेस्टेड, उसको प्रॉपर करके सेट, उसको क्लिप लगाई हुई है उसने अपने बालों में, इस तरह से उसने अपने हेयर स्टाइल बनाया हुआ है। एंड क्लोजली टू द स्कल हिज आईज बिहाइंड द पेबल लेंसेज पियरिंग शॉर्ट साइटेड एट द चर्च टाइम्स, हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो स्पेरिकल कॉलर एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड द नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड। अब वो क्या कहते हैं, सामने बुक रखी हुई है चर्च टाइम्स, वो उसको देख रहे हैं, उसके चश्मे में से उसके पेबल लेंसेज मतलब वो जो उसके थिक लेंसेज हैं उससे वो देख के लग रहा है कि हाँ ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली नहीं दिखते, तो उस तरह से वो स्पेक्स लगाए हुए हैं और वो देख रहा है उसमें से। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, एक हैंड जो है उसका इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर्स कौन सी होती है, इंडेक्स फिंगर होती है आपकी फर्स्ट वन, दिस वन, दिस इज द इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर जो है उसने अपने ऐसे क्लरिकल कॉलर मतलब अपने कॉलर में परमानेंटली ऐसे डाली हुई है, और वो लगा हुआ है अपना मैगजीन पढ़ने में, और दूसरा हाथ जो है वो देख रहा है कि दूसरा हाथ मैगजीन के ऊपर है, और प्रॉपरली मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड, मेटिकुलसली मतलब बहुत माइन्यूटली बहुत क्लियरली उसने मैनिक्योर्ड हैंड्स मतलब उसके बिल्कुल नीट एंड क्लीन हाथ हैं, और वो स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, और उसकी हल्की सी ब्लैक बियर्ड है। अब ये सब बताया है मैकलरी के बारे में जितना उसको डोर से दिखाई दे रहा है। एट 10:50 AM द रिसीवर क्रैकल्ड टू लाइफ एंड द गवर्नर रियलाइज्ड ही हैड almost forgotten Evans for a few minutes. Evans, please sir, a whisper. Evans, please sir, louder. Evans, would you mind if I put a blanket around me? अब क्या होता है 10:50 पे एकदम से crackle means कि receivers में से जैसे आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, जब इस तरह से microphone लगा होता है और receivers में से सुन रहे होते हैं, तो जब voice start होती है तो उसमें से पहले beep beep जैसे आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, beep 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 इस तरह से, तो आवाजें आने लग जाती हैं। और गवर्नर को क्या रियलाइज होता है कि ओ मैं तो कुछ टाइम के लिए भूल ही गया था इवांस को, मैं तो अपने ही काम में बिजी हो गया, मैंने तो सुना ही नहीं। तो उसके बाद अब वो क्या सुनता है वहां पे कि इवांस कहता है, पहले तो धीरे से बोलता है प्लीज सर, देन अब वो नहीं सुनता मैकलरी तो वो जोर से बोलता है लाउडर प्लीज सर। तो वो कहते हैं फिर से क्या पूछता है कि आपको वुड यू माइंड कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं अगर ब्लैंकेट अपने कवर कर लूँ अपने शोल्डर्स पे, ऑन शोल्डर्स सर, इट्स अ बिट पाकी एंड आर इजंट इट साइलेंस। अब क्या कहते हैं कि बहुत ठंड है तो मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लैंकेट जो है वो अपना शोल्डर्स पे कवर कर लूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इवांस, देयर इज वन और मोर वन ऑन माई बंक सर, मैकलरी बी क्विक अबाउट इट, साइलेंस। क्या कहते हैं, मेरे बंक पे ही साथ में, अब बंक तो साथ में ही था उसके क्योंकि उसकी चेयर और टेबल तो सब कुछ उसकी सेल में ही लगी है, कहते मेरे बंक पे रखा हुआ है ऑलरेडी, मैं ये ब्लैंकेट फटाफट ओढ़ लूंगा और आप प्लीज मुझे परमिशन दे दो क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। तो कहते ठीक है बी क्विक, जल्दी से कर। At 10:51 AM, Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket draped around Ivan's shoulders, and he frowned slightly and looked at the examinee more closely. But Ivan's, the pen still between his teeth, was staring just as vacantly as before, blankly beneath the blanket. Should Stephens report the slight irregularity? Anything at all fishy? Hadn't Jackson said? अब वो क्या कहते हैं 10:51 पे जब स्टीफन्स उसको देखता है, हर 2 मिनट्स के बाद उसको देख रहा था, अब वो 2 मिनट्स के बाद जब स्टीफन्स उसको देखता है तो क्या देखता है कि उसने ब्लैंकेट कवर किया हुआ है, मतलब वो अपने शोल्डर पे ब्लैंकेट कवर करके ग्रे कलर का बैठा हुआ है। तो उसको लगता है कि अब वो क्या कह रहे हैं कि एंड ही फ्राउंड स्लाइटली, फ्राउंड यू कैन से एंग्रीली, थोड़ा एंग्री या सीरियस हो जाता है, और उसको क्या लगता है कि एग्जामिनी को वो ज़्यादा क्लोजली बहुत ध्यान से देखता है, और वो क्या नोटिस करता है, वही देखता है कि उसके टीथ में पेन है, मुंह में पेन है, पेन लेके बैठा हुआ है, और वेकेंटली, वेकेंटली मतलब कि बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ नहीं है दिमाग में, और ऐसे देख रहा है कहीं एक तरफ स्टेयर कर रहा है। और वो क्या कहता है कि क्या मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए, क्योंकि इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी मतलब कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अचानक उसने ब्लैंकेट कवर कर लिया,
तो ऐसा तो नहीं कि उसको ब्लैंकेट उड़ा के और कुछ करना चाह रहा हो, तो इस तरह से तो कहता है कि मुझे क्या बताना चाहिए, एनीथिंग एट ऑल फिशी, फिशी मीन्स सस्पिशियस, कि कुछ सस्पिशियस है इसमें, कि कुछ आप कह सकते हैं लाइक सस्पिशियस, जैसे रहस्य कोई ऐसा, इस तरह से कि ऐसा तो कुछ नहीं है, कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो वो कहता है कि जैक्सन को बताना चाहिए. तो ही लुक थ्रू द पीपहोल वंस अगेन एंड इवन एज ही डिड सो इवांस पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट्स मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ. वॉज ही प्लानिंग अ सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट मैक्लरी इन द ब्लैंकेट? डोंट बी डाफ्ट, देयर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन, नो हीटिंग इधर ड्यूरिंग द समर मंथ्स, एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स. स्टीफन्स डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन. अब वो दोबारा से देखता है तो क्या नोटिस करता है कि वहां से और टाइटली अपने ब्लैंकेट को कवर कर लिया है. तो उसको क्या, वो क्या सोचता है, वॉज ही प्लानिंग अ सडन बैटमैन लीप, कि ऐसा तो नहीं कि चुपचाप एकदम जंप करके उसको सफोकेट करने की कोशिश कर रहा हो. सफोकेट मीन्स कि मैक्लरी को कवर कर दे ब्लैंकेट से और उसको सफोकेट कर दे, मतलब उसका गला दबा दे, ऐसा तो नहीं प्लान कर रहा कुछ. फिर अपने आप को ही कहता है कि डोंट बी डैफ्ट, डैफ्ट मीन्स डोंट बी सिली, मतलब बेवकूफ मत बनो. तुम क्या सोच रहे हो, अब इसके सेल में बिल्कुल सनलाइट आती नहीं है, इतनी ठंड है यहाँ पे, तो हो सकता है उसको ठंड लग रही हो और उसने ब्लैंकेट को कवर कर लिया हो, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है. तो अब वो क्या सोचता है कि मुझे अब फिर से एवरी मिनट, मतलब हर 1 मिनट के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी. पहले तो वो 1 मिनट के बाद देख रहा था, फिर उसने 2 मिनट्स के बाद देखना शुरू कर दिया, अब उसे लगता है नहीं, हर एवरी एवरी मिनट, मतलब हर 1 मिनट के बाद मैं इसको चेक करता हूँ पीपल से. एट 11:20 AM द रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड अराउंड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस एंड मैक्लरी इन्फॉर्म्ड इवांस दैट ओनली 5 मिनट्स रिमेन, द एग्जामिनेशन वाज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, बट समथिंग स्टिल नॉट अवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड. ही रीच फॉर द फोन वंस मोर. अब 11:20 का टाइम हो चुका है और रिसीवर फिर से बजता है, क्रैकल्ड मतलब फिर से उसमें से आवाज आती है रिसीवर में से, और गवर्नर सुनता है वहां पे, और मैक्लरी क्या इन्फॉर्म करता है कि ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट, 5 मिनट्स बचे हैं. 9:25 पे उसका पेपर स्टार्ट हुआ था, 2 आवर्स का पेपर था, 11:25 पे पेपर खत्म होना है. तो 11:20 पे उसने शार्प 11:20 उसको बताया कि 5 मिनट्स आर लेफ्ट. जैसे आपकी मैम, जैसे आप इन्विजिल एग्जाम के लिए जाते हैं, इन्विजिलेटर्स आपको बताते हैं कि 15 मिनट्स आर लेफ्ट और 10 मिनट्स आर लेफ्ट, सेम वे वो बता रहा है 5 मिनट्स आर लेफ्ट, क्योंकि ये तो ऑलरेडी उसने बता दिया था कि जब 5 मिनट्स बचेंगे तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा उसकी, जो उसको शॉर्ट साइटेडनेस. और उसके बाद अब वो कहते हैं एग्जामिनेशन इज ऑलमोस्ट ओवर बट समथिंग स्टिल नॉट अवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड. अब नॉट मीन्स ही वॉज स्टिल वरिड, कि अभी भी उसके माइंड में कुछ चल रहा था, किसके, गवर्नर के. एग्जाम भी हो गया, वो वहीं बैठा हुआ है, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी गवर्नर जो है वो मतलब उसका माइंड जो है वो काम नहीं है, वो शांत नहीं है. एंड ही रीच फॉर द फोन वंस मोर, फिर से फोन करता है. At 11:22 AM, Jackson shouted along the corridor to Stephens. The governor wanted to speak with him. Hurry, man. Stephens picked up the phone apprehensively and listened to the rapidly spoken orders. Stephens himself was to accompany McCleary to the main prison gates. Understood? Stephens personally was to make absolutely sure that the door was locked on Evans after McCleary had left the cell. Understood? Understood? अब क्या होता है, फटाफट वो फोन कॉल करता है 11:22 पे जैक्सन को, और वो भागा हुआ आता है वहां पे, और वो शाउट करते हुए चिल्ला के जोर से बोलता है स्टीफन्स को कि गवर्नर आप तुमसे बात करना चाहते हैं, ही वॉन्टेड टू टॉक टू यू. अब वो फटाफट स्टीफन्स क्या करता है, फोन पिक करता है और बात करता है. नाउ ही सेइंग एप्रिहेंसिवली, एप्रिहेंसिवली मीन्स ही वॉज फीलिंग ए लिटिल बिट अनइजी, और थोड़ा सा डरा हुआ भी है कि पता नहीं क्यों मुझसे बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि उसकी जॉब को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वॉज न्यूली रिक्रूटेड, अभी नया नया जॉब पे लगा है. एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स, तो और वो जल्दी से जो जो ऑर्डर्स बोलता है गवर्नर वो सुनता है. अब वो क्या कहता है उसको कि तुम्हें अकंपनी करना है, अकंपनी मतलब कि तुम्हें स्टीफन्स को गेट तक छोड़कर आना है, मैक्लरी को मेन गेट तक, वो अकेला नहीं जाएगा, उसको छोड़ के आना है. और फिर उसके बाद पर्सनली वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट, और ये एब्सोल्युटली श्योर होना है कि डोर जो है वो अच्छे से क्लोज होने चाहिए इवांस के सेल के, और मैक्लरी को छोड़ के मैक्लरी हैड लेफ्ट द, जब वो लेफ्ट रूम लेफ्ट कर दे यानी सेल से बाहर निकल आए, तो उसके बाद डोर्स को अच्छे से क्लोज कर देना, डोर को लॉक कर देना, और उसके बाद मैक्लरी को गेट तक छोड़ कर आना. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, दो बार इस तरह से बोलता है. At 11:25 AM, the governor heard the final exchanges. Final exchanges मतलब finally they were talking to each other. वो बातें वो सुनता है गवर्नर क्या है. Same, stop writing. Exam is over. The time is over. अब इस तरह से बात होती है, तो वो कहता है stop writing please, silence.
put your sheets in order and see they are correctly numbered as usual. जैसे आपके एग्जाम में होता है कि अपनी शीट्स को टाई कर लीजिए, चेक द नंबर्स ऑफ द शीट्स एंड अरेंज देम प्रॉपरली, और नो राइटिंग प्लीज, पेन डाउन, और इस तरह से वो सारे इसको इंस्ट्रक्शंस देता है. स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स. थैंक यू वेरी मच सर. ऑलराइट, वाज इट एवंस? नॉट टू बैड एक्चुअली, गुड. मिस्टर स्टीफंस, वेरी लाउड. द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम एंड एग्जामिनेशन वॉज ओवर. अब सारी चीज़ें उसको बता के फिर उसके बाद उससे शीट्स ले लेते हैं, उसके एग्जाम उसके आंसर शीट्स ले लेते हैं, और उससे मैक्लरी पूछते हैं, ऑलराइट वाज दैट, वाज इट, मतलब एग्जाम कैसा था, सही था? तो वो क्या कहता है, नॉट टू बैड. अब वो कितनी उसको जर्मन आती है, कितना उसने पेपर किया है, क्योंकि जब भी उसने देखा स्टीफंस ने, उसके पेन तो उसके मुंह में ही था, लिखते हुए तो उसने कभी देखा ही नहीं उसको. अब वो पता नहीं कुछ लिखा भी है या नहीं. तो वो कहता है नॉट टू बैड. अब उसके बाद मिस्टर वो आवाज लगाता है जोर से मिस्टर स्टीफंस को, क्यों? क्योंकि वो तो सेल के अंदर बंद है, लॉक्ड है. तो वो आवाज लगाता है और गवर्नर जो है ये सारी बातें अभी सुन रहा है कि डोर खुला है, क्लैंग डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम एंड द एग्जामिनेशन वॉज ओवर. अब सब कुछ एग्जामिनेशन ओवर हो गया, अब डोर बंद हो जाएगा. सो हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, आस्क्ड स्टीफंस एज ही वर्क्ड बिसाइड मैक्लरी टू द मेन गेट्स. ओच, आई कैनॉट थिंक ही इज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ. I'm afraid his Scots accent seemed broader than ever, and his long black overcoat, reaching almost to his knees, fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer. अब क्या होता है? अब यहाँ पे twist off. What sort of twist? अब वो कहते हैं, Stephens उसको छोड़ने जा रहा है McLaren को, और क्या पूछता है उससे? How did he get on? Do you think क्या होगा? क्या pass हो जाएगा? क्या लगता है आपको? तो वो क्या कहते हैं? कि आज आई कान नथिंग, मैं नहीं सोच सकता इस बारे में. ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, कि डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ का मतलब कि उसने कुछ अलग किया होगा, कुछ सक्सेसफुली किया होगा, कुछ ऐसा अच्छा किया होगा कि उसका एग्जाम अच्छा हो जाएगा. और आई एम अफ्रेड, कि डर है, पता नहीं पास भी होगा या नहीं होगा. लेकिन अब वो जो बोल रहा है तो वो कहते हैं हिज स्कॉट्स एक्सेंट सीम्ड ब्रॉडर देन एवर. जैसा पहले बोल रहा था उससे ज़्यादा ब्रॉड उसकी आवाज़ लग रही है, उसकी एक्सेंट जो है वो ज़्यादा ब्रॉड लग रही है. और उसका जो ब्लैक ओवरकोट है वो ऐसा लगता है जैसे और नीचे हो गया, मतलब वो बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट टू हिज नीज, कि उसके नीज तक आ रहा है. और फिर उसके बाद फोस्टर्ड द इल्यूजन दैट ही, और ऐसा फील हो रहा है, ऐसा इल्यूजन लग रहा है, इल्यूजन मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो सडनली ग्रोन स्लिमर, कि पहले से पतला हो गया, कि मतलब कि ऐसा लग रहा था जब पहले वो आया था तब थोड़ा हेल्दी था, अब वो और पतला हो गया, पतला होने की वजह से उसका कोट जो है वो और नीचे चला गया है, उसकी आवाज़ जो है वो और थोड़ी सी हल्की सी चेंज हो गई है. अब वो क्या कहते हैं, स्टीफंस फेल्ट प्लीज दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम एंड नॉट जैक्सन टू सी मैक्लरी ऑफ द प्रीमाइसेस, एंड इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रीटी वेल, बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर अ बिलेटेड कप ऑफ कॉफी. ही वॉन्टेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस. इट वॉज लाइक अ प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी अबाउट अ वुमन हु कुड नेवर रियली कन्विंस हरसेल्फ दैट She'd locked the front door when she'd gone to bed. Often she'd got up 12, 15, sometimes 20 times to check the bolts. Ab Stephens gate par chhod aata hai McLaren ko. And he was very happy, very pleased. Kyun? Kyunki usse lagta hai ki governor ne mujhe ye kaam diya ki main chhod ke aaun McLaren ko wahan tak gate tak, Jackson ko nahi bola. Jaise classes mein kya hota hai ki agar किसी स्टूडेंट को मैम मॉनिटर बना देती हैं या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैम कोई काम बोलती हैं तो उसको ही और शी फील्स अ लिटिल बिट प्राउडली और प्लीज ऑल्सो यू कैन से. क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि किसी और को नहीं काम बोला, मुझे बोला ये, तो इसका मतलब कि देयर इज समथिंग इन मी, कुछ तो है. तो अब वो चीज़ वो सोचता हुआ आ रहा है और फिर उसके बाद वो खुश है बड़ा, क्योंकि सब कुछ अच्छे से आराम से मॉर्निंग में सब कुछ हो गया, मतलब कोई टेंशन नहीं हुई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ आराम से हो गया. लेकिन सडनली उसको क्या लगता है कि अभी वो कैंटीन जाने लगा था कॉफ़ी पीने के लिए, जो कॉफ़ी पहले उसको लेनी थी, लेकिन वो कहते हैं बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी, यानी बहुत पहले उसको लेनी थी, लेकिन अब वो जो सोच रहा था कि पहले मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूँ उसके बाद ही कॉफ़ी लूँ. लेकिन वो लेने से पहले उसको क्या लगता है कि एक बार मैं जाके दोबारा से एक बार लास्ट लुक, मतलब एक बार मैं चेक करके आऊँ इवांस के सेल में जाके कि सब कुछ ठीक ठाक तो है. क्यों? क्योंकि जो टेंशन गवर्नर के माइंड में थी वो सबके माइंड में थी. सो अब वो जाते हैं, वो अब इसको किससे रिलेट कर रहा है हमारा जो राइटर है, ऑथर है, वो क्या रिलेट कर रहा है, वो क्या बता रहे हैं कि जैसे एक टीवी प्रोग्राम था उसमें देयर वाज अ वुमन एंड दैट वुमन एक्चुअली शी वाज वेरी मच वरीड.
तो उसको क्या था कि वो जब सोने जाने लगती है तो वो अपने आप को कन्विंस करना चाहती है कि मैंने अपना मेन गेट जो हुआ बंद कर दिया ना। अब वो लेटने के बाद भी, बेड पे जाने के बाद भी बार बार उठ के वो चेक करती है, 12 times, 15 times और समटाइम 20 times हो जाती है, और अपना गेट चेक करके आती है कि मैंने बोल्ट अच्छे से लॉक कर दिया या नहीं किया। तो वही चीज़ यहाँ पे उसको दिखाया है कि ऑल दो सब कुछ हो गया है, खुद वो छोड़कर आया है, खुद उसने लॉक किया है, लेकिन फिर भी वो एक बार रीअश्योर करना चाहता है कि सब कुछ ठीक ठाक है सेल में। सो री ही री एंटर डी विंग, मेड हिज वे अलॉन्ग द इवान सेल एंड ओपन द पीप होल वंस मोर। ओ नो क्राइस्ट नो, द स्प्रॉल बैक इन इवान चेयर वॉज अ मैन। फॉर अ सेमी सेकेंड स्टीफेंस थॉट इट मस्ट बी इवान्स, अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स, द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड इरेगुलरली टॉफ्टेड हेयर अवॉश विद फ्यूर्स रेड ब्लड विच हैड ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बोर्ड एंड वॉज इवन नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द व्हाइट क्लरिकल कॉलर एंड डाउन इन टू द ब्लैक क्लरिकल फ्रंट। अब क्या कहता है, वो जाता है डीविंग में चेक करने के लिए, वो चेक भी करता है, लेकिन वो देखता है जैसे ही पीपल से तो कहता है इमिजिएटली इज ओ नो क्राइस्ट क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट, कि ये क्या हुआ। क्यों? क्योंकि वो क्या देखता है, दिस स्प्रॉल्ड बैक, मतलब एक इवांस की चेयर पे वो जमान एक बैठा हुआ था, इवांस की चेयर पे बैठा हुआ था, मतलब इवांस ही था, इवांस पे वो बैठा हुआ था। और बट वो कहता है स्प्रॉल, स्प्रॉल मीन्स सिटिंग वेरी अनटाइडी वे, मतलब बहुत गलत तरीके से बैठा हुआ है, मतलब ऐसे कंफर्टेबली नहीं बैठा हुआ, पता नहीं किस तरह से आराम से ऐसे रिलैक्स या ऐसा भी नहीं कह सकते, बैठा हुआ है टेढ़ा मेढ़ा होके आप कह सकते हो। सो इस तरह से वो बैठा हुआ है, और जैसे ही वो नोटिस करता है वो क्या देखता है कि उसके ब्लैंकेट जो है वो थोड़ा सा स्लिप हुआ हुआ है, हटा हुआ है वहां से शोल्डर की तरफ से। और तो क्या हुआ अगर ब्लैंकेट हटा हुआ है तो, लेकिन उसको क्या दिखता है, इन फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड, जो उसने उसके बाल है बिल्कुल चिपके हुए हैं एकदम, और क्लोजली क्रॉप्ड मतलब बहुत अच्छे से उसे कट किए थे बाल अपने, शॉर्ट किए थे, वो सब उसके साथ ही वो टॉफ्टेड हेयर अवॉश विद, अब विद फियर्स रेड ब्लड, बिल्कुल ब्लड की वजह से वो एकदम गुच्छे में हो गए, मतलब कलेक्ट हो गए हैं सारे, चिपक गए हैं, एंड विच हैड ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड एंड इवन वॉज इवन नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द व्हाइट क्लरिकल कॉलर एंड डाउन इन टू द ब्लैक क्लरिकल फ्रंट। क्या कहते हैं कि उसके ब्लड जो है वो साइड से, उसकी बियर्ड की साइड से, मतलब उसकी जो बियर्ड है उसके साइड से वो ब्लड आ रहा है, और वो धीरे धीरे उसके क्लरिकल कॉलर, जो उसकी कॉलर है व्हाइट क्लॉटर, वहां तक पहुंच चुका है, और उसके नीचे वो ब्लैक क्लरिकल फ्रंट तक आ चुका है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है उसको यहां से। सो स्टीफन्स शाउटेड वाइडली फॉर जैक्सन एंड द वर्ड्स अपीयर टू पेनिट्रेट द कर्टन ऑफ ब्लड दैट वेल मैक्लरीज ईयर्स, फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीबली फॉर अ हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, द ब्लड सीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लिनन। अब स्टीफन जोर से चिल्लाता है जैक्सन के लिए, क्योंकि उसको समझ गया था कि ये क्या हुआ। अब एक्चुअली क्या हुआ था कि वो मैक्लरी को छोड़ने गया था, वो मैक्लरी की जगह किसको छोड़ाया, ऑब्वियसली वो छोड़कर आ गया इवांस को, और यहाँ पे बैठा है मैक्लरी। अब ये यहाँ पे इस ऐसा बताया है अभी, एंड वर्ड्स अपीयर टू, और जब वो जोर से चिल्लाता है तो उसके जो वर्ड्स हैं, जो वो चिल्ला रहा है, उसकी आवाज़ जो है उसके कानों तक जाती है, पेनिट्रेट मतलब कानों के बीच में से निकल के जाती है, और उसकी जो ब्लड है दैट वेल मतलब उसके कानों के पास जो ब्लीडिंग हो रही है वहां से उसकी वो आवाज़ निकल के जाती है, फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फीड फीबली फॉर अ हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट, बहुत फीबली मतलब बहुत वीकनेस के साथ वो अपने एक हैंकी निकालते हैं अपने पॉकेट से, एंड हेल्ड टू हिज ब्लीडिंग योर हेड एंड ब्लड, और उसके जहाँ पे ब्लड आ रहा है वहाँ पे लगाते हैं, ब्लड स्पीड सीपिंग स्लोली, धीरे 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 जो है ब्लड सीपिंग मतलब निकल रहा है वहाँ से थ्रू द वाइट लिनन, और वहाँ की शर्ट जो है वो उसके ऊपर वो ब्लड आया हुआ है। ही गेव अ लॉन्ग लो मोन, मोन मीन्स कि पेनफुल, मतलब बहुत दर्द भरी आवाज़ निकालना, पेनफुल साउंड निकालना, कि कराहना जिसको कहते हैं, वो चीज़ कर रहा है, एंड ट्राई टू स्पीक, और ही वॉन्टेड टू से समथिंग, ही ट्राई टू से समथिंग बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, ट्रेल्ड अवे मीन्स स्लो डाउन, वो बोलना चाह रहे हैं लेकिन उसका आवाज़ निकल नहीं रही है, बहुत धीरे 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 आवाज़ हो रही है उसकी, और स्लो डाउन होती जा रही है उसकी आवाज़। एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड एंड डिस्पैच्ड स्टीफन्स टू रिंग द पुलिस एंड द एम्बुलेंस, द हैंडकरचीफ वाज स्टिकी स्क्वेल्ची वॉट ऑफ क्लोथ। क्या कहते हैं, जब तक जैक्सन वहां पहुंचता है, पुलिस को बुलाता है, एम्बुलेंस को बुलाता है, उसका जो हैंकी था, हैंकरचीफ था जो उसने वहां लगाया था जहां पे उसको ब्लीडिंग हो रही थी, वो बहुत स्टिकी हो चुका था, स्टिकी मीन्स क्वाइट ग्लूई यानी चिपचिपा जिसको कहते हैं, हो चुका था बिकॉज ऑफ ब्लड, एंड स्क्वॉची वॉट ऑफ
कि एक ऐसा मतलब पीस ऑफ क्लोथ बन चुका था जो बिल्कुल ड्राई हो चुका है उसकी ब्लड की वजह से और एकदम सोकिंग हो गया है. सो मैक्लोरी स्लोली रेज हिमसेल्फ हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद पेन. डू नॉट वरी अबाउट द एम्बुलेंस मैन, आई एम ऑलराइट, गेट द पुलिस, आई नो वी आर ही. He closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor. His hand felt along the table, found the German question paper and grabbed it tightly in his blood-stained hand. Get the governor, I know where he was. अब क्या कहते हैं McClary? धीरे से वो उठता है और उठ के वो क्या कहते हैं, face twisted tightly with hot face पे pain है, मतलब दिख रहा है कि उसको दर्द हो रहा है और कहते हैं don't worry about मेरी don't worry about me. कॉल द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाओ और मुझे पता है आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ बिल्कुल. एंड गेट द पुलिस, पुलिस को बुलाइए, बिकॉज आई नो वेयर, कि मैं जानता हूँ वो कहाँ गया है. एंड ही क्लोज, और जैसे ही वो अपनी आइज बंद करता है एक और वो कहता है ड्रिप ऑफ ब्लड, क्या है कि उसकी ब्लड जो है वो उसकी वहाँ से निकल के एकदम नीचे गिरता है फ्लोर के ऊपर, स्प्लैश कि वहाँ फ्लोर पर गिरता है, यूज रेन ड्रॉप, ऐसा जैसे रेन ड्रॉप गिरती है इस तरह से वो ब्लड गिरता है और आवाज़ भी आती है ऑन द वुडन फ्लोर. अब उसका हैंड, हिज हैंड फेल्ट अलॉन्ग द टेबल फॉर्म, और उसके हाथ में क्या है, जर्मन क्वेश्चन पेपर है एंड ग्रास, मतलब उसने टाइटली उसको पकड़ा हुआ है, ग्रास में टाइटली पकड़ा हुआ है इन हिज ब्लड स्टेन, और हाथ उसके कैसे हैं, ब्लड स्टेन मतलब खून से भरे हुए. क्यों? क्योंकि उसका हाथ इस तरह से था, उसको पेन हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो सारे उसके हाथ खून से भरे हुए हैं. उसके हाथ में क्या है, क्वेश्चन पेपर है जर्मन का. अब वो कहता है गवर्नर को बुलाओ, मुझे पता है इवांस कहाँ है. ऑलमोस्ट इमीडिएटली साइलेंस वर साउंडिंग. Prison officers barked orders. Puzzled prisoners pushed their way along the corridors. Doors were banged and bolted, and phones were ringing everywhere. And within a minute, McClary and with Jackson and Stephen supporting him on either side, his face was now streaked and caked with dying blood, and was greeted in the prison ward by the governor, perplexed and grim. क्या कहते हैं कि वो बताते हैं कि तभी immediately सारे बजने लग जाते हैं. जैसे आपने movies में भी देखा होगा कि कभी अगर जेल से भाग जाता है, कोशिश करता है भागता है, तो क्या होता है सब जगह पूरे सारे डोर्स में और सारे वॉल्स की तरफ सायरन बजने शुरू हो जाते हैं, शोर मच जाता है, सब इधर उधर भागने लग जाते हैं, ऑर्डर्स देने लग जाते हैं, ये गेट बंद कर दो, वो गेट बंद कर दो, इस तरह से वो सब कुछ हो रहा है. वो कह रहे हैं सब दे आर बार्किंग द ऑर्डर्स, मतलब इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ऑर्डर्स दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दे आर बार्किंग, बार्किंग मतलब जैसे भौंक रहे हैं इस तरह से. और सब पजल हो गया प्रिजनर्स भी कि हो क्या गया, कौन भाग गया, क्या हो गया. तो इस तरह से अब हो रहा है, सब एक दूसरे को पुश कर रहे हैं और डोर्स बंद हो रहे हैं, बोल्टेड हो रहे हैं, सारे डोर्स बंद करे जा रहे हैं, सबको अंदर घुसाया जा रहा है, सबके डोर्स जो है वो बंद कर रहे हैं, उसको लॉक कर रहे हैं और फोन्स बज रहे हैं इधर से उधर. एंड विद इन अ मिनट, अब तभी क्या होता है, McClary जैक्सन और स्टीफन्स के साथ उसको सपोर्ट करते हुए दोनों, मतलब बीच में McClary है और उसके दोनों साइड पे जैक्सन और स्टीफन्स उसको सपोर्ट करते हुए गेट तक लेकर आते हैं. और फिर उसके बाद उसका फेस जो है वो बताया स्ट्रीक्ड एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड, क्योंकि फेस पे उसके सारा ब्लड ही ब्लड था, तो वो ड्राई हो चुका था, क्रैक्स पड़ गए थे उसके ऊपर, तो ऐसा उसका फेस हो गया था. वॉज ग्रेटेड इन द प्रिजन यार्ड. अब प्रिजन यार्ड पे, मतलब यार्ड मतलब जो ओपन एरिया है, वहाँ पे गवर्नर उसको ग्रीट करते हैं, क्योंकि गवर्नर तो उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, पहले तो उसको लेकर आया जैक्सन, वहाँ लेकर आ गया, स्टीफन छोड़ के आ गया, तो गवर्नर उसको ग्रीट करते हैं, ग्रीट और फिर क्या कह रहा है, परप्लेक्स एंड ग्रेम्ड. परप्लेक्स क्यों, बिकॉज ही इज वेरी मच कन्फ्यूज कि क्या हो गया. एंड ग्रेम, ये ग्रेम मीन्स वेरी फुल ऑफ फियर्स, फियरफुल, डरा हुआ एकदम, तो और यू कैन से ऑफुल, मतलब उसको गुस्सा भी आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि जो मैं नहीं चाहता था अल्टीमेटली वही हो गया. वी मस्ट गेट यू टू अ हॉस्पिटल इमीडिएटली, आई जस्ट डोंट, यू हैव कॉल्ड द पुलिस, यस यस दे आर ऑन द वे, बट आई एम ऑलराइट, लुक लुक हियर. अकवर्डली ही ओपन द जर्मन क्वेश्चन पेपर एंड ट्रांसलेट बिफोर द गवर्नर्स फेस. It's there. Do you see what I mean? The governor looked down and realized that what McClary was trying to tell him, a photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last originally blank page of the question paper. अब वो कहते हैं कि हम आपको पहले हॉस्पिटल लेके जाते हैं फटाफट immediately. वो कहते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम पुलिस को बुलाओ. तो कहते हैं पुलिस इज ऑन द वे, कि वो आ रहे हैं. कहते हैं आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ बिल्कुल. और ये ऑकवर्डली, मतलब एकदम ऐसे उसने क्रश किया हुआ पेपर बिल्कुल अपने हाथों में ऐसे लिया हुआ है, तो वो उसको ओपनली करता है, ऐसे ओपन करके और गवर्नर के बिल्कुल फेस के सामने उसको दिखाता है कि ये देखो. और क्या कहता है, इट्स देयर, डू यू सी व्हाट आई मीन, कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखो इस पेपर में चेक करो, ये देखो क्या है. द गवर्नर लुक डाउन, अब वो गवर्नर उसको देखते हैं और उनको ये रियलाइज होता है कि McClary वॉज ट्राइंग टू टेल, कि क्या वो कहना चाह रहा है, कि क्या बताना चाह रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में देखते हैं.
अब क्या होता है कि वो कहते हैं अ फोटोकॉपीड शीट हैव बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपरइंपोज्ड ओवर द लास्ट ओरिजिनली ब्लैंक पेपर ऑफ द क्वेश्चन पेपर. अब जो पेपर जैसे लास्ट पेपर था उसके ऊपर एक सुपरइंपोज्ड का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक शीट के ऊपर दूसरी शीट बिल्कुल इस तरह से कि वो बिल्कुल लग नहीं रही कि वो कहीं से चिपकाई हुई है, ऐसी फोटोकॉपी शीट उसके ऊपर पेस्ट की हुई थी. जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टिकर्स तो देखे होंगे, तो स्टिकर्स के पीछे एक पेपर होता है उसको हम हटाते हैं तब वो स्टिकर पेस्ट होता है, तो वो बिल्कुल उसी शेप में उसके साथ लगा होता है, एग्जैक्टली वही शेप होती है जो स्टिकर की शेप होती है. और जब हम उसके दैट इज सुपर इम्पोज्ड, तो इस तरह से वो शीट जो है उसके साथ सुपर इम्पोज्ड की हुई थी. अब क्या होता है, इवांस के साथ वो इतनी देर तक बैठे, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन फिर भी इवांस भाग गया. सो नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स सी इन द थर्ड पार्ट. कुछ लेसन थोड़ा सा लंबा है, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा वीडियो नहीं बन सकता क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे, तो इसलिए थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि इवांस क्या होता है, कैसे पकड़ते हैं, फर्दर क्या होता है, लेट्स सी. सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट टू एंड आई होप दैट इट इज वेरी मच क्लियर एंड यू अंडरस्टूड द लेसन एंटायरली अप टू हियर. And if you understood the lesson, then don't forget to click the like button, share among your friends, and do write your comments also, because your comments are always welcome. And if you have not subscribed the channel, then please subscribe the channel as well as press the bell icon so that you can get all the latest updates. Thank you very much. Thanks for watching.